features. You look so pretty. मुलाकात कैसे हुई? अच्छा मुझे मुझे लगता है इसीलिए इंटरव्यू की है ये पता करने के लिए कि अंदर की स्टोरी क्या है. ओह आई वांट टू नो कौन है हीरो भाई जो हमारी ज़ैनब को उड़ा के ले गया. कौन है इतने मतलब इमेजिन नहीं बट जेन्युइन क्वेश्चन है ना मेरा. देखें यू आर लाइक माशाल्लाह से दिस पर्सन कितने फैंस हैं कितने लोग हैं तो हुज़ द लकी वन जिसने आपको इम्प्रेस किया कि आपने सोचा बस यार कबूल है इसी को बोलूंगी मैं. No, he's not from my field at all. वो तो हम सबको समझ आ रहा है. तो फिर मुलाकात कहाँ हुई क्या थोड़ी स्टोरी बताए ना यार. नहीं स्टोरी तो ये है कि आई मीन आई वॉज फ्रेंड्स विद हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई थिंक फाइव ईयर्स तो आई वुड से. सो इट्स नॉट लाइक आई डिडंट नो हिम आई डिड नो हिम वी हैड कॉमन फ्रेंड्स तो दैट्स हाउ वी सॉर्ट ऑफ न्यू ईच अदर. बट ये था कि मैं देयर वर डिफरेंट थिंग्स ऑब्वियसली आई वॉज not in the mood to settle down at that particular time because मैंने अपना जो ये वाला करियर है ये relatively late start किया. Like I had graduated, I'd done my masters, I'd done other things and then I got into it. So it took me a while to kind of settle down. Make your name. You know, it was like a cultural shock working in a completely male dominated environment जहाँ पे there are times when I'm literally the only woman on ground or working with completely with men. I'm like the only one there. तो उसमें फिर ये होता है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में. सो इवेंचुअली व्हेन आई डिड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेटलिंग डाउन ऑब्वियसली आई डिड नो हिम एंड आई यू नो आई रियली लाइक्ड हिम. सो आई थॉट दैट दिस इज अ मैसिव डिसीजन एंड यू हैव टू थिंक अबाउट हु यू कैन लिव योर लाइफ विद एंड टॉलरेट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ मोर इम्पोर्टेंटली. सो आई थिंक आई वाज लाइक ओके आई कैन टॉलरेट हिम. इसको मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ सारी उम्र बाकियों का मुझे नहीं पता लेकिन इसको मैं कर सकती हूँ. ऑस्ट्रेलिया में थी कभी साउथ अफ्रीका में थी कभी मैं कहीं थी. आई वॉज नेवर इन पाकिस्तान लाइक एट लीस्ट फॉर सिक्स और सेवन मंथ्स ऑफ द ईयर आई वॉज जस्ट ट्रैवलिंग राइट. तो You can't be in that state of settling down if you're just going to be doing that. Yeah. I'm still doing that, but at least now I, you know, have this understanding with him, right? So he obviously proposed, and एक तरह से दोनों को अब sorry to tell you, लेकिन कोई romantic you know going down on your knees वाला proposal नहीं था. मतलब cricket pitch पे नहीं हुआ, कोई ball के अंदर ring नहीं थी, bat पे वो की नहीं यार कुछ नहीं. नहीं कुछ भी नहीं था. एक literal एक understanding थी कि okay this is the natural course of taking things further. ठीक है. And when he did, it didn't take me long because I was ready. So वो ही होता ना कि if you're ready, so then because वो क्रिकेट की फील्ड से नहीं है. हाउ डज ही टेक योर इज ही पैशनेट अबाउट क्रिकेट उनको क्रिकेट पसंद है. ही इज पैशनेट अबाउट गोल्फ. ओह वो मैच देखते हैं साथ. नो सो ओके आयरोनिकली हिज ग्रैंडफादर वाज द फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम. वाओ आई डोंट नो हिज नेम बट आई एम इंप्रेस्ड. क्रिकेट वालों को पता होगा अब्दुल हफीज कारदार उनका नाम. अच्छा अब आपने बोला है तो मुझे नाम याद आ गया. नाम याद नहीं था बट आई नो अब्दुल हफीज कारदार साहब थे हमारे पहले टेस्ट कैप्टन थे. उनके नाम पे बल्कि एक सड़क भी है इन लाहौर. तो वो एक ऑब्वियसली ही इज प्लेड हिज ग्रैंडडैड हैज प्लेड विद इमरान खान तो उसकी फैमिली में एक वो क्रिकेटिंग लेगेसी है. सो देयर इज अ लिंक. बट उसको खुद जो है वो देखता है. ही वॉचेज इट. ही वॉचेज ऑल स्पोर्ट्स बट इज नॉट क्रेजी लाइक मी. आई एम लाइक फनाटिक अबाउट आई मीन मैं तो खैर आई एम वर्किंग इन द क्या बात होती है गुफ्तगू क्या होती है नो स्पोर्ट्स देन फॉर श्योर या फिर थोड़ा बहुत होता है डिस्कशन. नो नो वी टॉक अबाउट एवरीथिंग. ओके वी टॉक अबाउट एवरीथिंग जस्ट कैचिंग अप ऑन द डे ब्ला ब्ला बट I mean, we're very different from each other. It's like... Is that good or bad? I think it's good. Mere liye it's good. Because you get a break also. You get a break and you kind of compliment each other. Yeah. Like, my personality is very different. I am a complete extrovert. And he's a complete introvert. Very low-key. Kabhi nazar nahi aayega. Aur koi mujhe puchega, kahan hai, kahan hai? Main kahun ghar. Wo ghar. Good. So, we are... As long as you both are happy, mashallah. So yeah. That's the main thing. अच्छा सर मुझे बताएं व्हाट्स योर आइडियल डेट. आइडियल डेट
My ideal date, guys, sorry to say, you'll be very disappointed, is being in my PJs without any makeup and hair and sitting and watching Netflix with... Seriously, that is my... And having a cup of tea. Or maybe dessert. Yeah. So, like, mere liye to that is the... You know, when you work in this profession, the best time is when you're at home and in your masi halat. And you want to be yourself, no? And you know, when you're like, especially when you're working like this, no? Like, for example, if I'm working in a tournament, when you come home and the whole day you've been at the ground, पीछे पेशावर जलमी की म्यूजिक चल रही है आपके सर में दर्द शुरू हो जाती है एंड यू गॉट लेयर्स ऑफ मेकअप ऑन एंड योर हेयर इज डन एंड योर बॉडी इज टायर्ड यू वांट टू कम होम एंड रिलैक्स सो आई रियली एंजॉय बेसिकली अनवाइंडिंग एंड यू नो जस्ट वॉचिंग नेटफ्लिक्स और अच्छा जैनब बताओ आई ऑल मैं देखती हूँ पिक्चर्स भी देखती हूँ व्हेनेवर आई सी यू ऑन फील्ड माशाल्लाह सी यू आर लुकिंग अमेजिंग एवरी टाइम यू नो प्रेशर है कि अच्छा लगना है हर बार Pressure, you see, the thing is that you are in a public circle, right? You're in public sphere. So anybody who's watching you will comment on you, you know? You'll get comments like, "Acha, aaj aankhe bahut yun hain, aaj baal jo hain, wo bahut ajeeb lag rahe hain, kapde kya pehne hue hain? Eastern pehnoge to log kahenge, Western pehen lo, Western pehnenge to log kahenge, Eastern." People will always have an opinion. But the thing is, I do whatever I feel comfortable with. So if I feel like मुझे ऐसे तैयार होना है या ऐसे करना है obviously you do want to look good. You're coming on the screen. Of course. That's part of your job. If you're on the screen, you have to look a certain way. That's part of the reason why people are watching you. So you have to take care of yourself and I'm okay with that. Like मुझे नहीं फर्क पड़ता. The field you are in, मर्दों की field है. They have their own kind of joke, their own, you know, kind of actions. मुश्किल लगता था शुरू में कि मैं मतलब did you feel alienated a little bit? कभी लगता था मैं out of place हूँ उन लोगों की गुफ्तगू सुन के ड्रेसिंग रूम में आपस में टीम्स में बैठे क्या था जर्नी आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट आई थिंक आई गॉट अ कल्चरल शॉक इन द बिगिनिंग शुरू में था बिकॉज मुझे गिव अस एग्जांपल्स आल्सो नहीं लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू एंटर यहाँ पे अगर आप एक न्यूज रूम में एंटर हो गए तो वहाँ पे आपको लड़कियाँ नजर नहीं आएंगी वो जो दो तीन लड़कियाँ आपको टेलीविजन पे एज एंकर्स नजर आती हैं वही होती हैं द रेस्ट इज ऑल पीपल फ्रॉम लाइक मेन फ्रॉम डिफरेंट यू नो बैकग्राउंड्स डिफरेंट वो एंड यू आर जस्ट लाइक बट होता ये है कि थोड़े टाइम के बाद ना आप यूज टू हो जाते हैं यू हैव टू कीप योर फोकस दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कांट गेट इनटू के ओ दिस ये दिस इज अ मैन और अ वुमन और व्हाटएवर यू कांट गेट इनटू दैट अनफॉर्चुनेटली फॉर मी आई वर्क विद सम वंडरफुल पीपल उससे भी बहुत फर्क पड़ता है अगर आप अच्छे लोगों के साथ काम करो तो आप सीखते ज़्यादा हो और जब आप सीखते ज़्यादा हो तो आप बेहतर होते जाते हो सो आई वर्क विद लाइक यू नो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स आई वर्क विद इंटरनेशनल एक्स क्रिकेटर्स बट इवन उनमें भी ना ज़ैनब उनके भी तो एक आपस की बॉडी लैंग्वेज एक वो होता होगा वो पिक करने में डू यू फील कि मुझे ये सर्टेन लाइन सर्टेन जार्गन सर्टेन एक्शंस डिड यू पिक अप दोस कि उसमें सेटल आराम से हो सको बट आई वॉज नॉट एग्जैक्टली द मोस्ट यू नो टेम गर्ली गर्ल ग्रोइंग अप यू नो बिकॉज आई ग्रो अप विद फाइव बॉयज वी लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली एंड फाइव नहीं तो पांच और भी आ जाते थे तो घर में दस लड़के होते थे सो आई थिंक आई काइंड ऑफ टफन्ड अप दैट टाइम बिकॉज आई यूज्ड टू गेट bullied you know like everybody was trying to bully me and like and I was standing on my own so mujhe lagta hai ki mujhe usse bhi farak pada tha it was not I was never in a very female dominated environment protected wo nahi tha nahi but nahi to already bahut zyada mujhe situations aisi bani thi ghar mein bhi ki mujhe I had to kind of look after myself so I think us tarah se my personality has always been very strong तो चलिए थोड़ा सा हम लाइटर उस पर बात करते हैं मैं कुछ गाने का शौक है गाने सुनती हैं हाँ गाने सुनती ज़रूर हूँ गाने का शौक था लेकिन आवाज़ नहीं अच्छी चलो थोड़ा सा हम देखते हैं गुनगुना के कैसा होता है मेरी तो आवाज़ क्या मैं क्या मैं क्रिकेटर्स के नाम लूँगी आपको जो गाना उन पर सूट करता हुआ नजर आता है लगता है वो आप एक लाइन गुनगुना दें अच्छा चले बस I'm the best. I'm the best. I'm the best.
Yes, ये वो एक शाहरुख खान की मूवी थी बादशाह, उसका एक गाना था तो फीमेल क्रॉपर इज द बेस्ट. अच्छा हाँ बताती भी जाओ क्योंकि अच्छा आई थॉट यू वुड यूज दिस फॉर शोएब अख्तर. अब शोएब अख्तर, शोएब अख्तर, शोएब अख्तर के लिए वही सही है. सेक्सी फॉर माय, आई एम जस्ट हेल्पिंग हर आउट. व्हाट डू यू थिंक ज़ैनब? आई एम नॉट पुटिंग वर्ड्स इन योर माउथ. नो आई थिंक ही इज बीन प्रीटी मच द Dawn of cricket, so वो जो है मैं हूँ Dawn is perfect for him. It's perfect for him. Yeah, he's been the Dawn of cricket. The Dawn.